आज प्राची बंग भवन परिषद द्वारा आयोजित 40वीं अवनींद्रनाथ टैगोर ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। छोटे छोटे बच्चों ने वरिष्ठों तक को पेंट और ब्रश के साथ अपनी कल्पनाओं को रंग देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखना बेहद सुखद और आनंददायक था। इस तरह की प्रतियोगिता का उद्देश्य ड्राइंग और पेंटिंग के क्षेत्र में रुचि पैदा करना और इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को सामने लाना था। प्रतियोगिता में बच्चों को चित्र बनाने के लिए विभिन्न विषय दिए गए। अभिभावकों एवं बच्चों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रतिष्ठित ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में से एक है। उन्होंने ये भी कहा, ये बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया है और पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक रहे युवक व बच्चे। इस अवसर पर श्री प्रबीर भट्टाचार्य, श्री मृदुल घोष विश्वास, डॉक्टर गौतम दत्ता, श्री अरूप प्रामाणिक और प्राची बंग भवन परिषद के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। आइए सुने क्या बोले पदाधिकारी। 19 तारीख को, लेकिन हमारे जजेस के पैनल शाम में आएंगे, वो डिसाइड करके शीट्स जो है हमारी वो कल शाम से लग जाएगी। जी, मैं संजय मिश्रा हूँ, प्राची बंग भवन परिषद का सचिव हूँ मैं, और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही कह सकते हैं भव्य तो है ही है और बड़ा ऐतिहासिक है। 40वां अवनींद्रनाथ टैगोर की स्मृति में हम लोग ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते रहे हैं और आज ये 40वां वर्ष है, इसको हमें कहते हुए बहुत ही हर्ष होता है। लगभग 30 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे और 1,000-1,500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी काउंटिंग नहीं हुई है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आए हैं। उसमें नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक के तमाम बच्चे आए हैं और सबसे खुशी की बात है कि अभिभावक गण बच्चों को लेकर आए हैं, दूर दराज इलाकों से लेकर आए हैं। सवेरे 8 बजे से आए थे और बच्चों ने बड़े मेहनत से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय पर उन्होंने ड्राइंग पेंटिंग बनाई है और जजेस का पैनल आएगा, वो डिस्कस करेगा और अगले संडे यानी 20 तारीख को शाम को 7:30 बजे हम लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें जो भी हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग प्राइज देंगे। एक साथ में हम बात और कहना चाहेंगे कि इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन की खास बात यह है कि इसका जो भी उद्देश्य है बिल्कुल आर्ट कल्चर ड्राइंग, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बहुत कम जगह पर ही होता है, 40 साल से ये परंपरा हमने मेंटेन करी है और ईश्वर के आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि इसको हम जितना आगे तक ले जाएं, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चा मोबाइल और तमाम तरह की चीज़ों के साथ रहता है और इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनमें बहुत कम ही बच्चे देखे जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिएटिविटी निकल के आती है, बच्चे में नयापन आता है और उसका दिमाग सही दिशा में जाता है। तो हमारे यहाँ पे 5 ग्रुप में बच्चे थे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप। ए के बच्चे हो जाते हैं, उनको अपना जो भी उनको टॉपिक समझ में आया उनको दिया गया। सी डी और ई के जो आपके थे वो जजेस के पैनल में टॉपिक